हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN Explains। तो गाइस, कैमोडोस के नेक्स्ट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, मैं आपके पास आज लेके आया हूं एक कमाल का इस ब्लॉक से कंपाउंड, पोटेशियम आयोडाइड। अब ये कंपाउंड क्यों इतना फेमस है मैं बता देता हूं। लास्ट लेक्चर आपने NaOH पे देखा था, प्रॉपर्टीज पे देखा था। इस लेक्चर में हमने पोटेशियम आयोडाइड चूज किया, इसके कुछ खास रीजन है। इससे रिलेटेड गाइस, रिडॉक्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप के सवाल अक्सर जेई मेंस और एडवांस में देखने को मिले। कई बार होता है कलर और प्रेसिपिटेट से रिलेट कर देते, कई बार इसके और डिफरेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप के रिएक्शंस दे दिए जाते हैं। तो गाइस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डील किए जाएंगे, खासतौर पे कलर, प्रेसिपिटेट और रिडॉक्स से रिलेटेड। तो पूरी जोश एनर्जी, जुनून, रिदम और उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर गाइस आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, क्योंकि उसके बिना कोई भी फायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर आपके पास पेन हो और नोटबुक हो, और बहुत बढ़िया फोकस पॉजिटिव माइंड के साथ आप सुने और नोट करें। नाउ गाइस, क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 seconds एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ, मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है, एक जबरदस्त आउटपुट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं, बड़ा कमाल का सवाल है, ध्यान से देखिए। पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। बोले तो गाइस, आपको आई माइनस को ऑक्सीडाइज करना है आई टू के अंदर, और आपको बोला गया है कि कौन कौन से ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे रिएजेंट्स हैं जिसको जब आप पोटेशियम आयोडाइड में एड करेंगे तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। सिंपली ऐसे समझे, कौन कौन से एजेंट है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइस, हम देंगे सबसे पहले। तो गाइस समझिए, ऐड क्या-क्या करना है। तो सबसे पहले यहां पर सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, देखते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट में गाइस, जब आप पोटेशियम आयोडाइड ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नजर आ रहा है। सिल्वर आयोडाइड जो है, ये आपका ब्राइट येलो, कैसा ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट आपका आ जाएगा यहां से। और गाइस क्या हो जाएगा, यहां से KNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है। HgCl2 में गाइस जब हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो यहां पे देखिए गाइस क्या होगा। जी हां, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, यहां पे गाइस HgI2 आएगा, और HgI2 का बड़ा प्यारा सा प्रेसिपिटेट आता है, हम बात करते हैं। और यहां से गाइस क्या आएगा, 2KCl आएगा। HgI2 जो होता है ऑरेंज रेड, कैसा होता है गाइस, ऑरेंज रेड, या आप बोल सकते हो सिर्फ रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता, बड़ा प्यारा सा प्रेसिपिटेट है, पानी में घुलता नहीं है, बहुत बढ़िया सा। आप अगर लैब करेंगे, बड़ा मजा आ जाएगा HgI2 के लैब करने में। मैंने कई बार इसको परफॉर्म किया है, सो मैं जानता हूं, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा आता है, सस्पेंडेड आता है। अगर आप सॉल्यूशन को देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक इसकी डेंसिटी वैरी करती है, इसके पार्टिकल्स बहुत बढ़िया से फ्लोट करते हुए नजर आएंगे, तैरते हुए नजर आएंगे सॉल्यूशन में, बहुत बढ़िया सॉल्युबल नहीं होता। तो कमाल का ऑरेंज रेड या रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है। हम बात करेंगे बाद में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पे, पहले हम इक्वेशन तो लिख लें। कॉपर सल्फेट में गाइस जब हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे ना, तो गाइस ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CuI2 में कन्वर्ट होगा, समझिए, CuI2 में। और गाइस ये क्या देगा, K2SO4 देगा, क्या देगा, K2SO4 देगा। और जो CuI2 होता है आपको बहुत बढ़िया से पता है, ये अनस्टेबल होता है, क्या होता है गाइस, ये अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये टूट जाता है, अनस्टेबल होने की वजह से ये टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, जी हां गाइस CuI2 में टूट जाता है और आयोडीन में टूट जाता है। अब CuI2 जो होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, नॉर्मल व्हाइट टाइप का नजर आता है, व्हाइट ऑफ व्हाइट टाइप का है, इसका कोई कलर नजर नहीं आता है CuI2 का। पर आयोडीन जो होता है, ये वायलेट पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है, जैसा मेरा आपको ब्लेजर दिख रहा है ना, ऐसा ही वायलेट पर्पल कलर का इसका क्रिस्टल पाया जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे पहले रिडॉक्स पे, हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इक्वेशन तो लिख ले। अब बात करते हैं FeSO4 में गाइस, FeSO4 के साथ क्या होगा, सुनेगा ध्यान से। अगर FeSO4 को आप पोटेशियम आयोडाइड में ऐड करेंगे, बहुत ही अनकॉमन कंपाउंड बनता है जिसको हम जनरली देखते नहीं है। तो गाइस ये क्या करता है, यहां से 2 लगा दीजिए, तो यहां से K2SO4 आएगा, और गाइस आएगा FeI2, आयरन 2 आयोडाइड। देखिए आयरन 2 आयोडाइड के साथ थोड़ा सा मामला है, मामला ये है कि आयरन 2 आयोडाइड जब ये मिनरल फॉर्म में रहता है, मिनरल फॉर्म में बोलिए या रॉक फॉर्म में बोलिए, तो गाइस ये ब्लैक रहता है, तो ये ब्लैक मिनरल में आपको नजर आता है, ठीक है। लेकिन गाइस जब ये रिएक्शन में फॉर्म होता है तो ये
आपको थोड़ा सा प्रेसिपिटेट लाइक नजर आएगा, पर ये ऑफ व्हाइट होगा। कैसा होगा? ऑफ व्हाइट होगा, मतलब थोड़ा सा धुंधला सा, बिल्कुल क्लियर व्हाइट तो नहीं होगा, पर ऑफ व्हाइट नजर आएगा। जो भी हो, मैंने समझा दिया। मॉइस्ट आयोडीन, ये मॉइस्ट ओजोन, अब ये देखिए गाइस कैसे काम करेगा। ये रहा पोटेशियम आयोडाइड और ये रहा आपके पास ओजोन और ये रहा आपके पास H2O। तो ये गाइस रिएक्ट करके क्या करेगा इसको? जी हाँ गाइस, ये इसको कन्वर्ट कर देगा KOH में और आयोडीन को लिबरेट कर देगा। ओके परफेक्ट, यहां पर भी आयोडीन हट रही थी। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन परोक्साइड, गाइस ये भी कमाल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड को डालेंगे तो ये क्या करेगा गाइस? जी हाँ, ये KOH प्लस आयोडीन में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्लोरीन, अब आपको गाइस पता है, अगर आपने हैलोजन पढ़ा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको ऑर्डर बताया जाता है क्या? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये गाइस इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है। तो फ्लोरीन कमाल का ऑक्सीडाइजर होता है और आयोडीन बहुत ही गंदा ऑक्सीडाइजर होता है। तो यहां पे क्लोरीन आपने यूज किया है और क्या साथ में लगाया है? साथ में लगाया है पोटेशियम आयोडाइड। तो जस्ट आप देख पा रहे हो, क्लोरीन ज्यादा बढ़िया ऑक्सीडाइजर है आयोडीन से। क्या करेगा? आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2KCl में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास? आयोडीन को ये लिबरेट कर देगा। अब आ जाइए, बात करते हैं कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है? देखिए पोटेशियम आयोडाइड और अगेन सिल्वर आयोडाइड, -1 to -1। जी नहीं, यहां नो ऑक्सीडेशन। यहां ये HgCl2 से KiHgI2, यहां पर भी देखिए I आयोडाइड, यहां पर भी आयोडाइड, -1 से -1, अगेन नो ऑक्सीडेशन। कॉपर सल्फेट से KI, तो देखिए गाइस यहां से था -1 और फाइनली ये लास्ट में कहां चला गया? 0। तो यस, यहां पे जो कॉपर सल्फेट है ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के जैसा तो काम कर ही रहा है, बाद में जाके कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है और साथ ही साथ गाइस ये क्या कर रहा है? जी हां, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो पहला मिल गया हमें, पहला सही है। आयरन सल्फेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ कुछ नहीं, यहां पर भी आयोडाइड था, यहां पर भी आयोडाइड है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं, नो रेडॉक्स। आगे आ जाओ, मॉइस्ट ओजोन मतलब पानी वाला ओजोन और पोटेशियम आयोडाइड, देख लीजिए यहां पे आई माइनस था, यहां पर आयोडीन था, बोले तो -1 से 0 में चला गया। क्या हो रहा है? जी हाँ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां से आ जाइए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड, H2O2 आपको पता है, बहुत बढ़िया से आप जानते हो, फेंटन्स रिएजेंट में जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते हो, बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजर है। ये KI के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है? -1 से इसको कहां कन्वर्ट कर दे रहा है? 0 में। तो जी हां गाइस, यहां भी हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्लोरीन जस्ट अभी बताया, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजर है आयोडीन के कंपैरिजन में, तो ये क्या कर रहा है? पोटेशियम आयोडाइड -1 को आयोडीन बोले तो 0 में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये भी सही है। तो कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4, 4 ऐसे रिएजेंट हैं। वो रिएजेंट कौन-कौन से थे यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं, इसको दिमाग में भी याद रखिएगा और भूलिएगा मत। सबसे पहला कॉपर सल्फेट, इसमें टिक लगा दीजिए। दूसरा आपके पास हो गया क्या? मॉइस्ट ओजोन, नमी वाला ओजोन, मॉइस्ट ओजोन, जी हां ये भी सही है। तीसरा हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये भी सही है। चौथा हो गया क्लोरीन Cl2, जी हाँ ये भी सही है। चारों के चारों आपके पास सही हैं, जो कि ऑक्सीडाइज कर सकते हैं आयोडाइड को आयोडीन में। गाइस बताइएगा कैसा लगा आपको ये, बड़ा कमाल का था ना, बड़ा ट्विस्टेड, बड़ा इंटरेस्टिंग और जबरदस्त था। आई होप आपने पूरा एंजॉय किया होगा इस सवाल को। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी पर भी है, कोड यूज कर सकते हैं IIT Explains। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।